ये होली की अभिव्यक्तिवाणी आई हुई है 28:2-10 की। देवान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। आज होली एष्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल के अंदर समाये रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का नहीं हो सकता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ और पवित्र बन जाते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो, क्योंकि वहां आत्मा भी पवित्र होती है और शरीर भी पवित्र होता है। सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, कोई भी धर्मात्मा डबल पवित्र नहीं बना है कि शरीर भी पवित्र हो, पवित्रता से पैदा हो और आत्मा भी पवित्र हो। लेकिन आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी है डबल ताजधारी। स्थूल ताज तो होता ही है, लेकिन पवित्रता का ताज भी होता है। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली मनाते हो वो सिर्फ मनाते नहीं हो लेकिन बनते भी हो। उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये उमंग क्यों रहता है? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो, तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, तो आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्मा संग का रंग नहीं लग सकता और परमात्मा मिलन अनुभव हो भी नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वो स्थूल आग जलाते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं, क्योंकि अभी सबकी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। लेकिन आप होली बनते हो और वो होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने हैं। तो आप सभी जो भी जहां से आए हो, तो परमात्मा संग के होली में आए हो, परमात्मा संग की होली मनाने आए हो। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी है वो हो चुकी,
तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली, अर्थात बीती सी बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं, क्योंकि जो हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने की पूर्ण पुरुषार्थ की पवित्रता पुरुषार्थ की प्रतिज्ञा धारण की है, तो भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी डबल ताज दिखाते हैं। तो आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के बनाएंगे और क्या जला के जाएंगे? बाप दादा ने देखा कि जन्म दिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहां कहां बच्चों ने अटेंशन तो दिया है। आप सब ने भी अपनी रिजल्ट निकाली, निकाली तो होगी। जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली है। जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया वो हाथ उठाओ। अच्छा, सफलता को प्राप्त किया, ऊंचा हाथ उठाओ, टीचर्स भी उठाओ, अच्छा फॉरेनर्स उठाओ, मुबारक हो। इससे आप सब ने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, ये भी अनुभव किया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख करके बार बार चेकिंग करते रहेंगे और आगे बढ़ाने चाहें तो समझते हो कि संभव है? संभव है, आगे भी हो सकता है। अच्छा, अगर हो सकता है तो हाथ उठाओ। टीचर्स, हो सकता है? पांडव बताओ, हो सकता है? संभव हो सकता है या नहीं? होना ही है, इसकी ताली बजाओ। अभी जो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अरे अभी हर 3 मास के बाद आज से 3 मास अटेंशन रख, क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। कर सकते हो? जो कर सकते हैं वो हाथ उठे। अच्छा, ये तो खुशखबरी सुनी, बहुत अच्छी बात है। ये तो जानते हो कि क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का बीज क्या होता है? 28/2/10 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। क्रोध का बीज होता है वो आप अपने स्वरूप को सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है, और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदस्य साकारी रूपधारी, आपके सदस्य जिम्मेवारी का ताज, ताजधारी तो है ना, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा क्यों दिखाई देता है? इन विकारों पर विजय प्राप्त कर आपके आगे शरीर होते हुए भी कार्य करते एग्जाम्पल बनकर के रहा। ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसकी जिम्मेवारी है? आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा, कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए, तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना? बाप दादा समझते हैं कि ये कारोबार में आते हैं तो कहां कहां ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा है कि आवाज न चाहते हुए भी तेज हो जाता है।
मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं, तभी जो विजयी बनते हैं उनको चांस भी मिलता है, क्योंकि बातों का काम है आना, लेकिन आपको तो नॉलेज है, जानते हो कि बातों से पार होकर के विजयी बनना है, तो पसंद है। क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए, कितना समय के लिए हिम्मत की है? जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना है और वो मुश्किल नहीं है, होना ही है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा खुश हैं, आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं, आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी ये गाते हैं ना, तो आप संपूर्ण निर्विकारी बने हो। ये आपका बनने का पार्ट अभी संगम युग का गायन है, बाप दादा के दिल की विशेष आस है, वो बताएं। बाप दादा अभी से हरेक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का फूल देखना चाहते हैं, ऐसा खुश नसीब खुशनुमा, क्योंकि बाप जानते हैं बातों का काम है आना, और ये भी समझ लो बातें तो आएंगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं है। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, तो ऐसे प्रसिद्ध हो जाए कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं, तनाव तो सबको होता है ना, तो तनाव पैदा हो इसकी गुंजाइश ही न रहे, क्योंकि सभी चाहते हैं लेकिन चाहने वालों को विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आपके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना भी हो सकता है और ये कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के रूप अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं, ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में ब्राह्मण परिवार में बने हैं, तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं, तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे, लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान होता है, और देह अभिमान का एक ही शब्द है मैं, देह अभिमान का ये एक मैं शब्द मैं आत्मा हूं इसमें बदल जाए, देह भान का मैं शब्द अभिमान का होता है, अपमान का भी होता है, तो दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं इसको योग अग्नि में जलाओ, अनेक प्रकार की मैं को जलाओ, और एक मैं आत्मा हूं इस शब्द को पक्का करो, और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला दो। अनेक मैं पना है, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है।
उस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना तो है क्योंकि ये भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, ये बोझ यहाँ जला करके जाओ, तो बताओ जला सकते हो? जो समझते हैं हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप साथ है, तो विजय भी आपके साथ है। जो ये सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना है, वो हाथ उठाओ, बनना ही है। अच्छा, जो आज वीआईपी आए हैं वो हाथ उठाए रहे हैं, वीआईपी भी आए हैं। अच्छा, खड़े हो जाओ, हाथ उठाए रहे हैं, ताली बजाओ, विजयी बनेंगे। जो भी विजयी बनेंगे उसे एक एक को माला पहनाए रहे हैं, मुबारक हो। हिम्मत वाले अभी जो वीआईपी आए हैं, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी वीआईपी किसी भी कार्य में बने हो, एक जन्म के लिए, सिर्फ एक जन्म के लिए ही तो बात बोल रहे हैं, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को आप वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा ये वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बने रहे। इस इलेक्शन में इलेक्शन नहीं चलेगी, सिलेक्शन नहीं चलेगी, अभी सिर्फ एक बात छोड़नी है। जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। 28/2/10 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन आपका पक्का होता जाएगा और आपका वरदान पक्का हो जाएगा। बाप का वरदान प्राप्त कर ही लेंगे तो मंजूर है, ये कनेक्शन रखना मंजूर है। हाथ उठाओ। बाप दादा ने फूलों की माला वीआईपी बच्चों के सामने आगे उठाई। ये माला आप सभी पहनना और आप सभी नए नए बच्चे, रियल गोल्ड बच्चे, सदा बाप के आज्ञाकारी होकर के रहना। तो आज मैं की इस होली को जला करके ही जाना। जो पहली बारी आए हैं वो उठो। अच्छा, बाप दादा ने पहली बारी आने वाले बच्चों को पहले बारी आने की पदम गुना मुबारक दी, लेकिन जैसे अभी पहले बारी आए हो, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीजन पहला नंबर में फिक्स हो जाए तो फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। ये हिम्मत है, हाथ उठाओ। जिनमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ। देखो, सोच करके हाथ उठाना, तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट में आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। अभी जो करना है वो तीव्र पुरुषार्थी बनकर के कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है, हाथ उठाओ। देखो, आप हिम्मतवान बच्चों का फोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी और मदद बाप की। लेकिन देखो, हिम्मत नहीं हारना, अपने भाग्य का सितारा सदा चमकते रहे, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ही नहीं है तीव्र पुरुषार्थ, अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें तो बहुत आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है
और आप तो महावीर हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, आपके आगे ये बातें क्या हैं? बातें आती हैं, चली जाती हैं। जो चली जाने वाली हैं, उनके पीछे अपनी तकदीर नहीं लगाना, तकदीर गवाना नहीं, बातों के पीछे नहीं गवाना। अच्छा बैठ जाओ। सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दिए दे रहे हैं, जानते हो किस बात की? हिम्मत रखी है और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। तो आपने होली मनाई, जलाने की होली मनाई और परमात्मा संघ के रंग की होली भी मनाई ली, तो जलाई भी और मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते, वो ड्रिल है जो भी चारों ओर की परिस्थितियां हैं, कहां भी कोई परिस्थिति है तो ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। आगे चल के ऐसी अनेक प्रकार की परिस्थितियां आवेंगी, तो ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, समझो। जिस समय आपको कारण या कारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आता है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति, ये ड्रिल ऐसे समय पर करके देखो। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती है तो आगे चल करके ऐसी परिस्थितियां बार बार आएंगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर देगी और शुरू कर भी दिया है। चारों ओर देखो क्या क्या हो रहा है, वो तो आप सब ज्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आएंगी, आनी ही हैं। तो अभी ये प्रैक्टिस करो कि मन को बुद्धि को आप एक सेकंड में परम धाम में टिकाए सको। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ, अभी अपने को ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूं, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। उसी समय बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जहां चाहो जो चाहो वहां मन को एकाग्र करो। पुरुषार्थ एक मिनट में लगे, देरी न लगे, एक सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का भी तैयार हो रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल मन एकाग्र हो जाए। मैं मन नहीं हूं, मन मेरा है, तो मेरे के ऊपर फुल कंट्रोल। अभी ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। तो सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को तो एक एक बच्चा प्यारा है, कैसा भी है लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखना चाहते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमजोर है लेकिन बाप का प्यारा है, दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यारा बच्चा है।
सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदैव खुशनुमा खुशी में चमकता रहे। बातें आवे और चली जावे लेकिन आपकी खुशी न जाए। 28/2/10 की अव्यक्त वाणी का चौथा पेज। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है, तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद रखना कि होली मना के आए हैं। जो बात होली वो होली, बातों में दिल न लगे, आपकी खुशी बरकरार रहे, ये परमात्मा सौगात है। खुशी का खजाना है। बाप दादा सदा कहते हैं कि ये स्लोगन याद रहे कि खुश रहना है और दूसरों को खुशी बांटनी है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वो यही सोचेगा इनको क्या मिलता है। तो आज होली की दिलखुश मिठाई खुशी हुई, सब ने खाई और सदा खाते रहना। ऐसी खुशी की खुराक खाने से कभी कोई बीमारी भी नहीं होगी। आज सेवा का टर्न दिल्ली का है और आगरा जोन का है। दिल्ली वाले बड़ी दिल वाले होते हैं क्योंकि दिल्ली राजधानी अब की भी राजधानी है और भविष्य में भी राजधानी रहेगी। दिल्ली में बाप दादा की दिल की आशाएं भी हैं और आशाएं पूरी भी की हैं। सेवा के हिसाब से दिल्ली में भी सेवा हो रही है और आजकल जो बच्चों ने छोटे बड़े शहरों में उमंग से सेवा की है उसकी रिजल्ट में बाप दादा बहुत खुश हैं। दिल्ली वालों पर भी खुश हैं। दिल्ली वाले अभी एक ऐसी कमाल करके दिखाएं जो बाप दादा की शुरू से एक बात रही हुई है कि दिल्ली वाले या कोई भी, लेकिन आज तो दिल्ली है ना, वो बात है गीता का भगवान कौन है। इस बात को किसी भी विधि से ऐसा ग्रुप बनावे जो खुद कहे कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, ऐसा पहले छोटा ग्रुप तैयार करके दिखावे। अनाउंस नहीं करें लेकिन ऐसा छोटा ग्रुप, कई ऐसे कनेक्शन वाले हैं, कई जज आते हैं, कई बड़े बड़े कनेक्शन में आते हैं, उनको समझा करके उनको तैयार करें, ग्रुप बनावे, बतावे कि सचमुच भगवान कौन है। ये हो सकता है, वो हो सकता है, नई नई बातें करके दिखाओ। पहले ग्रुप तैयार करो जिसमें सभी पोजीशन वाले हों, भिन्न भिन्न पोजीशन वाले हों, धार्मिक लोग भी हों, जज भी हों, वकील भी हों, साधारण पोजीशन वाले भी हों। ऐसा ग्रुप तैयार करो क्योंकि ये बात प्रसिद्ध होनी जरूर है और प्रत्यक्षता करनी है कि गीता का भगवान आखरीन कौन है। तो दिल्ली में सब प्रकार के लोग हैं और जहां धर्म स्थान है वहां भी जाकर के अगर कोई ऐसे निकले वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा एक ग्रुप तैयार करो। बाकी बाप दादा ने बच्चों का पुरुषार्थ और हिम्मत देखी कि बाप ने कहा और बच्चों ने चारों ओर सेवा की धूम मचाई। इसके लिए बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह है और आगे भी बढ़ता रहेगा।
बाकी बाप दादा ने सेवा चवाचार सुना। अभी भिन्न भिन्न प्रोग्राम दिल्ली में चल रहे हैं। बाप की सौगात जो बच्चों को मिली है, स्थान मिला है, उसको कार्य मिला रहे हैं। विशेष मुबारक। उमंग उत्साह बच्चों में है, सिर्फ थोड़ा सा समय जास्ती लगाई देते हैं। दिल्ली में बाप और जगदम्बा दोनों ने सेवा की है। ब्रह्मा बाप ने भी सेवा की और जगदम्बा ने भी सेवा की। और जमुना का किनारा तो दिल्ली में है ही, राजधानी भी अपनी जमुना के किनारे पर होनी है। तो दिल्ली वालों को स्थान तो सभी को देना पड़ेगा, क्योंकि दिल बड़ी है। बाप दादा हर स्थान के बच्चों की महिमा करते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। तो दिल्ली के बच्चों की भी टर्न है। आपका तो विशेष बाप दादा सेवा के सहयोग की स्नेह बनाने की मुबारक दे रहे हैं। अब ये करके दिखाओ। ऐसा कोई ग्रुप जो भी जोन हो, हिम्मत रखे ऐसा ग्रुप बना के लावे, जो निमित्त बने आवाज फैलाने का, जो रही हुई पॉइंट्स हैं, उसको अभी करके दिखाओ। बाप दादा बच्चों की सेवा भी देखते रहते हैं, तो सेवा हो रही है और सेवा के साथ स्वकीय स्थिति में आगे बढ़ने का उमंग भी अच्छा है। डबल विदेशी, बाप दादा ने सुना कि 90 देशों से डबल विदेशी आए हैं। तो बाप दादा कहते हैं वाह डबल विदेशी वाह, सभी खुशी में उड़ते रहो। सेवा का उमंग और तीव्र पुरुषार्थ का उमंग दोनों ही एक में हो, सहयोगी बन करके सहयोग देते रहते हैं। बाप दादा को मधुबन में आके हर ग्रुप को रिफ्रेश करना, हिम्मत बढ़ाना, ये तो बहुत अच्छा लगता है। और आजकल जो लहर फैलाई है स्पेशल भट्टी करने की, एकांतवासी बनने की, ये लहर भी बहुत अच्छी है। चाहे जनरल प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर स्व उन्नति के लिए प्रोग्राम करते हैं, ये उन्नति का साधन बहुत अच्छा है। ये संगठन करते रहो। 28/2/10 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। टीचर्स ने भी संगठन किए, अच्छा है। पांडवों ने भी किया, क्योंकि ये स्पेशल अटेंशन जाता है स्व के प्रति। तो मधुबन में जो रिफ्रेशमेंट करने के लिए उमंग से आते हैं, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। समय निकाला और समय का लाभ लेकर के जाते हैं। एक जनरल प्रोग्राम का लाभ, बाप दादा से मिलने का लाभ, और स्पेशल अपनी स्वोन्नति का लाभ। वैसे बाप दादा सभी तरफ यही राय देते हैं कि अपने अपने यहाँ छोटे छोटे ग्रुप को स्वोन्नति का चांस दे करके अनुभव करके बढ़ाओ। चाहे 5 का ग्रुप बनाओ, छोटा सेंटर है। आजकल विशेष अटेंशन फर्स्ट उन्नति का दो। कंट्रोलिंग पावर जो ड्रिल बताई, एकाग्रता की शक्ति पर अटेंशन, तो बाप दादा देश वाले और विदेश वाले दोनों में अटेंशन देंगे। अटेंशन देने में, सेवा में और स्व उन्नति में अटेंशन, लेकिन और भी बढ़ाते चलो। क्योंकि बाप दादा ने दो बातें बार बार अटेंशन में दी हैं। एक बात है अचानक होगा, और दूसरी बात है बहुत काल का पुरुषार्थ जमा होना चाहिए। हो जाएगा नहीं, हो रहा है ये भी नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। अभी कोई भी धारणा में तीव्र परिवर्तन कर रहे हैं नहीं, जो कुछ करना है अभी अभी करना है। हो जाएगा नहीं, कभी हो जाएगा,
ये भी नहीं। बाकी बाप दादा डबल विदेशियों की वृद्धि को देख करके बहुत खुश हैं। हर एक कोशिश कर रहा है जो भी एरिया रही हुई है वो विदेश में पूरी करें। उलहना विदेश में भी रहना नहीं चाहिए, हो रहा है इससे तो बाप दादा खुश हैं। लेकिन और भी अगर कहां कोना रहा हुआ है तो अटेंशन दे करके वो उलहना पूरा करो। ये कब हो जाएगा ये शब्द बोलना नहीं। तो बाप दादा हर एक पर खुश है। अमृत वेले विदेश में भी चक्कर लगता है, ऐसे नहीं सिर्फ मधुबन में या भारत में चक्कर लगाते हैं। विदेश में चक्कर लगाना बाप दादा को कितना टाइम चाहिए? ज्यादा टाइम तो नहीं चाहिए। तो हर एक बच्चे के चार्ट को बाप दादा चक्कर लगा के देखते रहते हैं। प्यार भी है, बच्चों का भी प्यार है, बाप का भी प्यार है। तो अब करेंगे क्या, चक्कर तो लगाएंगे ना। सभी जगह जाते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ लंदन अमेरिका नहीं, सभी जगह चक्कर लगाते हैं। और बाप दादा की हर सीजन में विदेशी। विदेशी कभी मिस नहीं होते हैं। अभी ये जो रीति बनाई है ये अच्छी बनाई है, विदेशियों की रौनक अच्छी है। बाप दादा हमेशा कहते हैं मधुबन का ये बच्चे श्रृंगार हैं। तो डबल विदेशियों के आने से मधुबन का श्रृंगार और ही बढ़ जाता है। तो आप सभी को अभी अच्छा लगता है ना, डबल विदेशी हर टर्न में आ जाते हैं, हिम्मत रखते हैं। आज 90 देशों से आए हैं। बाप दादा को बच्चों का प्यार देख करके खुश होता है, खुशी होती है। सर्कमस्टांसेस नहीं देखते हैं इसलिए इसे आ जाते हैं। तो ये 90 देशों से जो आए हैं कितने इसने हिस्से आए हैं। बाप दादा खास जैसे डबल विदेशी कहते हैं वैसे 100 गुना मुबारक और दुआएं भी दे रहे हैं। अच्छा आप सब लोग बैठ जाओ। आईटी ग्रुप से अच्छा है, बाप दादा ने देखा है कि आईटी ग्रुप द्वारा बच्चों को भी लाभ मिला है। जो दूर बैठे सामने देखते हैं और सेवा में भी टीवी द्वारा संदेश अच्छे मिलते रहते हैं, सिर्फ इस डिपार्टमेंट को हर देश के टीवी ग्रुप को ऐसा उमंग उत्साह में लाना है जो देश की देश में भी सेवा हो। जैसे अभी एक स्टूडेंट द्वारा सेवा जहां तहां हो रही है, ऐसे हर जोन में हर बड़े स्थान में जहां संदेश पहुंच सकता है वहां भी इसका फायदा लेना चाहिए। जहां तहां प्रोग्राम चलते हैं वो भी दिखा सकते हैं। अपनी एरिया में जो भी अपनी एरिया के साधन होते हैं अच्छी बातें फैलाने के, वो हर देश कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए। बाकी साधन अच्छा है, कर भी रहे हो लेकिन और बढ़ाते चलो। ऐसे अट्रैक्शन के प्रोग्राम बनाते रहो और चारों ओर भेजते रहो तो चारों ओर फैलता जाएगा। बाकी बाप दादा खुश हैं कि दिन प्रतिदिन इस डिपार्टमेंट को भी कायदे में ला रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। इस बात की बाप दादा को खुशी है, अच्छा है। आपस में मीटिंग की उमंग उल्लास बढ़ाया, ऐसे भी उमंग उत्साह समाचार की लेनदेन बढ़ाते रहो, अच्छा है। बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्वपुरुषार्थ, स्वपुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो। आगे बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते रहो, अच्छा। चारों ओर के बाप दादा की स्नेह में समाये हुए
याद और सेवा में आगे आगे बढ़ने वाले और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ सेवा की अंचली देने वाले, अपने इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। 28-2-10 की अव्यक्त वाणी का छठा पेज। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करते हो? एक बात की एडिशन करो कि सदा करेंगे, कभी कभी का शब्द डिक्शनरी में से निकाल दो। चारों ओर के बच्चों ने होली मनाई, जलाई और संघ का रंग भी लगाया, बीती सो बीती की होली मनाई, इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे। बाप दादा की पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्ते दादियों से। बाबा के ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं, बाबा भी बंधा हुआ है। अच्छा है, एक दो में राय करके हाँ जी करते खुद भी उड़ते रहो और सभी को उड़ाते रहो। मोहिनी बहन से प्यार से आगे बढ़ती रहती हो। कोई ने कहा बीच बीच में इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो बार बार तबीयत बिगड़ना गलती से होता है, अपने कुछ टाइम का नीचे ऊपर हो जाता है, बाकी फिर भी बाप दादा मददगार है, जो हो चुका है उसको थोड़ा सुधारने में टाइम लग जाता है, पुराना शरीर है हो तो जाएगा, सिर्फ दिनचर्या और दवाई एक्यूरेट टाइम पर करते रहो, क्योंकि अभी कुछ समय आपको दवाइयों का आधार और भी लेना पड़ेगा। सभी के सिर पर हाथ है, ये तो एक के ऊपर हाथ रखा, लेकिन आप सभी के ऊपर हाथ है परदादी से। ये तो ब्राह्मण जीवन का इनको सौगात है कि ये सदा हर्षित रहती है, कुछ भी हो लेकिन हर्षित जरूर रहती है, उड़ती रहती है, नाचती रहती है, पेशेंट नहीं है लेकिन उड़ती कला वाली है। निर्वैर भाई से आपको भी सदा की हर घड़ी की मुबारक। ब्रजमोहन से सेवा में बिजी रहते हो ये तो बहुत अच्छा है। रमेश भाई से अच्छा है, गवर्नमेंट के कायदे तो बदलते रहते हैं लेकिन आप अपने ब्राह्मण परिवार के जो भी सहज से सहज हो सके उतना सहज सहज करके चलते चलो और चलाते चलो, अपने डिपार्टमेंट को सहज बनाते जाओ। बल गवर्नमेंट के कायदे बदलते रहते हैं तो भी सभी खुशी खुशी से सहयोगी बनते रहें, क्योंकि यज्ञ का कार्य आपके डिपार्टमेंट के ऊपर आधारित है। इसके डिपार्टमेंट के ऊपर है, रमेश भाई का क्या डिपार्टमेंट है? उनका डिपार्टमेंट है अर्थ संबंधी, जो भी प्रॉपर्टी है यज्ञ की वो सारी उनके द्वारा संभाली जाती है। तो आप ऐसा सहज कर दो, भले मुश्किल है, गवर्नमेंट तो मुश्किल करेगी, आपके आर्थिक डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट तो मुश्किल करेगी, अड़ंगा लगाएगी,
लेकिन मुश्किल को भी सहज विधि ढूंढ करके सहज चलाते चलो। बाकी गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, आप अपना काम करते रहो। अच्छा है बजट में आपका काम अच्छा है, गवर्नमेंट तो आड़े आएगी, उनों का काम तो वह करेंगी और हम अपना काम करें। वो गवर्नमेंट तो राइट है अपने काम में, क्योंकि उन्हों की भी ढेर सारी प्रॉब्लम है ना। पांडव गवर्नमेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी ही खुशी है भूपाल भाई से। आपका कारोबार ठीक है, बोला पानी की दिक्कत है। ये पानी की ट्रक्स थोड़ी और बढ़ा दो ना, वो तो अभी की सीजन है। बाकी पानी का स्टॉक करो, स्टॉक को बढ़ाओ, स्थान को बढ़ाओ, पानी के ट्रक्स बढ़ाने से सहज ही हो जाएगा। तो स्थान भी बढ़ाओ, ट्रक्स भी बढ़ाओ, स्टॉक भी बढ़ाओ। विदेश की बड़ी बहनों से बहुत अच्छा है, ग्रुप बना के पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हो। बाप दादा को तो मधुबन की ये सीजन बहुत अच्छी लगती है, सबको एक साल के लिए डोज मिल जाता है। ये भट्टी का अनुभव बहुत अच्छा है, आपने आपस का ग्रुप बनाया है ना, ये भी अच्छा है। हर साल नया कुछ करते जाओ। कोई ने कहा बहरीन में अच्छी सेवा चल रही है, साइलेंस की तरफ से जितना अटेंशन खिंचवाएंगे उतना अच्छा है। जयंती बंसी, अच्छा करके आ गई हो, मुबारक। हैदराबाद शांति सरोवर में नया हाल बना है, जिसका उद्घाटन बाप दादा बटन दबाकर कर रहे हैं। इस स्थान से सेवा बढ़ेगी और बहुतों को संदेश मिलेगा। सिर्फ आपस में जल्दी जल्दी मीटिंग करते रहो, और क्या करना है, ये प्लानिंग बनाते रहो और प्लानिंग को प्रैक्टिकल में लाते रहो। पांडव और शक्तियां दोनों ही मिलकर के प्लान बनाओ, प्लानिंग को आगे बढ़ाओ। और आगे क्या करना है, एक पूरा हो दूसरा करो, ये स्थान फिर काम में आते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। Oh.